स्टाइल्स के ऊपर हमने लेवल रख लेना है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ कराची वाटर पंप में। अगर इस तरह की डब्ल्यूसी लगी है तो इसका आप कच्चा और टेस्ट किस तरह लगाओगे, ढलान कहाँ दोगे, स्टार्ट आपने कहाँ से करना है, लैंड फॉलो कहाँ से करनी है, अगर बाथरूम का एक फर्श लगा रहे हो तो। दोस्तों मैं हूँ अब्दुल कादर, आप देख रहे हैं टेक्निकल टेकर। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरी वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें कि जो बंदा मेरी वीडियो देखे वो काम करना सीख। सबसे पहले तो आपने पूरे बाथरूम के फर्श पे पानी मार लेना है, क्योंकि नीचे सूखा हुआ होता है आपका फर्श, जब आप माल डालते हैं तो नीचे पकड़ नहीं करता, बाद में टाइलें आवाज देती हैं। पानी मारने के बाद आपने सूखा सीमेंट छिड़क लेना है पूरे फर्श पे। एक आपकी डब्ल्यूसी है, अगर आपने उसकी चौकी नहीं बनानी तो टाइल्स बिल्कुल बराबर उसके कैसे लगाएंगे, वरना क्या होता है टाइलें उड़ जाती हैं, इधर से उठ गई, उधर से उठ गई, बीच से उठ गई, बराबर नहीं होती। सबसे पहले तो हमने ये करना है कि जो हमारी डब्ल्यूसी लगी है इसके बराबर रख के हम एक थिया बना लेंगे माल का। जो हमने माल डाला ना उस माल के साथ हमने टाइल्स का टुकड़ा रखना है और ऐसे थिया बना लेना है डब्ल्यूसी के साथ। दूसरी साइड पे भी हम वही प्रोसेस करेंगे कि टाइल्स का टुकड़ा रखेंगे और हम इसका थिया बना लेंगे इसी तरह। अच्छा, जो हमने ठिए लगाए थे ना उसके बराबर हमने फट्टी मार लेनी है। हमारे पास छोटी फट्टी नहीं है तो हमने टाइल्स की मदद से फट्टी बना ली। अच्छा, हमने ये वाली फट्टी सीधी कर ली, इसका ढलान हमने इधर दे दिया। अब हमने क्या करना है, फट्टी लेनी है और ये हमारा पॉइंट है, हमने ढलान देना है इस वाले पॉइंट में। तो हमने ऐसे फट्टी मार लेनी है, चेक कर लेना है लेवल से कि हमारा ढलान आ रहा है नहीं आ रहा। तो माशाल्लाह से हमारा ढलान बन गया है। अब यही वाली पट्टी हम पीछे तक ले जाएंगे। अच्छा, हमने यहाँ ढेरी बनाई थी, अब हमने इधर भी ढेरी बना लेनी है उसी तरह ये रख के टाइल्स। इसका फायदा मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, बहुत ही ज्यादा फायदा है अगर आप इस तरह कर लेंगे। डब्ल्यूसी के बराबर आपने टाइल्स का टुकड़ा रख के इसके ठिए बना लेना, इधर भी बनाया, इस तरह भी बनाना, यानी कि डब्ल्यूसी के चारों कोनों में आपने चारों तरफ इसी तरह ही आपने ठिए बना लेना, इधर भी हम बना लेंगे। अच्छा, अब हमने जो ढेरी बनाई है ना उसके फिर इसी टाइल्स को लेके हमने इसको सीधा कर लेना है, एक फट्टी मार लेनी है। अच्छा, ये जो हमने फट्टी मारी थी इसके ऊपर हमने लेवल रख के चेक कर लेना है कि हमारा ढलान किधर है, हमारा ढलान ऐसे आना चाहिए, तो ये बिल्कुल उसी तरह आ रहा है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये हमारा बना हुआ किया, ये भी बना हुआ है, अब हमने फट्टी को लेना है, इसके साथ मिलाना है और ऐसे आगे को खींच लेना है इसी तरह कि हमारा जो नीचे कच्चा है ना वो बिल्कुल सीधा होता जाए फर्श इसी तरह। देखें कितनी सफाई से हो गया, जो इजाफी माल है इसको हम करंटी की मदद से हटा लेंगे। अच्छा, इस तरफ हमने फट्टी मार ली थी, अब इसी तरह भी हमने इधर भी हमने बिल्कुल वैसा करना है। ये हमारी फट्टी रखी है, इसके साथ हम फट्टी मिलाएंगे और फट्टी को ऐसे खींच लेंगे। पहले हिस्से में भी हम इस टाइल से इसी तरह सीधा कर लेंगे, जहां तक हमारी टाइल्स लगेगी वहां तक हम टाइल्स मारेंगे, क्योंकि इस टाइल से हम ले रहे हैं फट्टी वाला काम, जो इस फट्टी का काम है ना वो वाला काम हम इससे ले रहे हैं। इसको ऐसे करने के बाद हमारे पास ये गुटका है छोटा सा, तो हम इससे माल को बिल्कुल सीधा कर लेंगे ऐसे, इजाफी माल हम करंडी से उठा लेंगे। हम इस फट्टी पे भी माल डाल लेंगे, जैसे इधर तो हमने सारा कर लिए, इस तरफ तो हमने सारा कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो हमारा ढलान है ना इससे हमने थोड़ा सा इसको उठा दिया है कि उसका पानी उधर से इसमें आए। अब यहाँ से हम ये वाली पट्टी भर रहे हैं सीधी, ये भी हम उठाएंगे, इसका ढलान इसमें आएगा। अच्छा, अब आप समझो, ये मेरा पॉइंट है, वो वाला एरिया मैंने उठा दिया, उधर वाले उधर से मैंने उठाया, उधर गिराया ढलान, वहाँ से मेरा ढलान इस पॉइंट में आया, ठीक है। और ये वाला हिस्सा है, ये ऊंचा है और इसका ढलान इधर आया, इधर से इधर आया, ठीक है। ये वाली जो फट्टी है मेरी ये बिल्कुल लेवल में है, और ये वाला जो कोना इस पॉइंट से, ये वाला कोना उठा हुआ है, इसका पानी इस पॉइंट में आएगा। तो आप कह रहे होंगे ये टाइल्स के सेंटर में पॉइंट है तो पानी कैसे जाएगा, इसका भी हल है मेरे पास, मैं बताता हूँ आपको। अब आप ये देखें, यहाँ से ये फट्टी है पीछे की साइड पर जा रही है, इसको भी मैंने उठाया हुआ है, इसको उठा के इसका ढलान इस पॉइंट में दिया हुआ है। बारीकी के साथ समझा रहा हूँ आपको, ये वाला पीछे वाला एरिया बेशक आप लेवल में रख दें, कोई मसला नहीं है,
क्योंकि आपने इधर से ढलान इधर दिया, इधर से उधर चला जाएगा, उधर का भी उठा हुआ है। अगर ये वाला आपका इसके लिमिट है बाद तो की आपका वीडियो ढलान बहुत इधर जा मज़े रहा की है। है, क्योंकि उसमें मैं बताऊंगा इस फर्श पे टाइल्स किस तरह लगाई जाती है।